बट देन ब्राजील में कुछ डिफरेंट है यार पिछले सात मैचेस में हराम खोरों ने 26 गोल मारे हैं और सिर्फ दो गोल कंसीड किए पूरे क्वालिफायर में एक भी मैच हारा नहीं उन्होंने सो ब्राजील वर्सेस सर्बिया और पोर्चुगल वर्सेस घाना ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं जो कि आज के दिन में होने वाले हैं ब्राजील खेलेगी मेरी अंडर रेडी टीम सर्बिया के अगेंस्ट काफी लोग कह रहे हैं कि उस ग्रुप में क्वालिफाई करने वाली है स्विट्जरलैंड मेरे अकॉर्डिंग मुझे सा तो फील होता है कि सर्बिया इस बार सरप्राइज करने वाली है लोगों को वैसे अगर हिस्ट्री की बात करोगे तो पिछले तीन क्वालिफायर्स में वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं निकल पाई सर्बिया कुड दिस बी द फर्स्ट टाइम जब सर्बिया क्वालिफाई करेगी नॉकआउट्स के लिए इस बार उनके पास चांसेस हैं बिकॉज भाई उन्होंने बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेला है नेशंस लीग के बी से क्वालिफाई करके ए में आया बथेरे मैचेस जीता एक ग्रुप जिसमें कि पोर्चुगल थी और पोर्चुगल को सेकंड पे पहुंचा के फर्स्ट डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ले लिया और पोर्चुगल हैड टू तो प्ले थ्रू दी प्ले ऑफ टू तो क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप और वो एक सरप्राइजिंग टू वन की विन थी जहाँ पे सर्बिया ने पोर्चुगल की अगेंस्ट ली जिसकी वजह से क्वालिफाइड काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उस मैच में इज रिमेंबर नाउ वॉट कैन सर्बिया डू टू प्ले एंड विन अगेंस्ट ब्राजील बिकॉज ब्राजील अगर तुम देखोगे बाई दुनिया दे की करेंटली बेस्ट टीम है इन अ लॉट ऑफ पीपल्स आइज बट क्या ब्राजील इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीत सकती है बिकॉज काफी लोग कह रहे हैं कि उनकी फेवरेट है ब्राजील और हमारे ओपिनियन में भी अगर एक स्क्वाड के बैलेंस की मैं बात करूं तो ब्राजील से बैलेंस स्क्वाड मुझे बहुत ही कम टीमों में लगता है और खासकर फॉर्म की अगर बात किया जाए ना तो ब्राजील से बेहतर फॉर्म किस टीम का है यार पंद्रह मैच अनबीटन चल रहे हैं वो बट यार अनबीटन रिकॉर्ड की तो बात नहीं करनी चाहिए बींग एन अर्जेंटीना फैन दिस मैचेस के अनबीटन स्ट्रीट जब बीट होती है तो दुख होता है बुरा लगता है बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो बट देन ब्राजील में कुछ डिफरेंट है यार पिछले सात मैचेस में हराम खोरो ने 26 गोल मारे और सिर्फ दो गोल कंसीड किए पूरे क्वालिफायर में एक भी मैच हारा नहीं उन्होंने भाई बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट गोल स्कोरिंग साइड एफ इन दिस फीफा वर्ल्ड कप और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम सो हाउ कैन दे लाइन अप क्या टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे टीटे और किस हिसाब से सर्बिया के कोच इनको थॉट करने की कोशिश करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं पोर्चुगल के पहले गेम में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है काफी लोगों का एंड क्या जो घाना की टीम है क्या वो भी पीट होंगी पोर्चुगल के थ्रू या फिर अपसेट आ रहा है तो काफी सारी चीजें इसके बारे में हमें बात करना है गाइस बट बिफोर लेट मी टेल यू की वी आर वेरी मच थैंकफुल टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन हु हैज हुड आवर वर्ल्ड कप कैंपेन एंड गाइस लेट मी टेल यू की इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा इफ यू वॉन्ट टू स्टे इन टच विथ ऑल दी लेटेस्ट फुटबॉल रिलेटेड नॉलेज इन फीफा वर्ल्ड कप एज वेल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू फीफा वर्ल्ड कप न्यूज वहां पर आप लोग को डे इन एंड डे आउट मिलेंगी जरूर से चेकआउट करें वन फुटबॉल एप्लीकेशन को बाय स्कैनिंग दिस क्यू आर कोड और बाय गोइंग डाउन इन टू माई डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें वन फुटबॉल को ना अगर आप स्क्रीन पर टेंशन दो दोनों टीम लाइनअप करेगी ब्राजील पर पहले फोकस करते है। तुम हैं तुम देख सकते हो कि मैंने एक कांड kind ऑफ of एक थोड़े से डिफरेंट अप्रोच में लाइनअप रखा है खिलाया है निमार को एक कैम के रोल में खिला है अपटॉप मैंने जूनियर टीटे कहते हैं कि नेमार इज नॉट अ स्ट्राइकर नॉट अ विंगर नेमार को एक सेकंड स्ट्राइकर के रोल में खिलाओ जहां पर वो अपना बेस्ट गेम देंगे नेमार प्लेस ग्रेट फुटबॉल वेन हीज प्लेड अलॉन्ग साइड अचुरल नंबर नाइन तो मेरे ओपिनियन में हम फॉलोइंग टीटे ऑब्वियसली वो हम सबसे ज्यादा जानते हैं तो मैं नेमार को यहां पर क्या के रोल में खिला हूं नॉट जस्ट बिकॉज ही सेट बिकॉज नेमार जब भी खेले ब्रजील के लिए तो ही हैज बीन प्लेंग ओवर हेयर इन दिस पोजिशन क्या सिमेरोन फेबिनियो की डबल पिवट हो सकती है काफी लोग कहेंगे नहीं यार पाक्वेता को हटा के फेबिनियो को डालो बट मुझे लगता है कि हमें इस मैच को प्रोएक्टिवली अप्रोच करना चाहिए पाक्वेता इज मच मोर ऑफ अ क्रिएटर बट उसकी जो प्रेसिंग इंटेंसिटी है वो भी बहुत बेहतरीन होती है जो डिफेंस है यहां पर मार्किन

होगा तुमको फर्क नहीं पड़ता हराम को तुमको नहीं जानना बट कॉस्टिच का नाम तुमको जानना चाहिए यू गाइज वुड नो दिस गाय फ्रॉम यूएंथस फ्रैंकफर्ट इसकी पिछली टीम थी वहां पर यह बंदे ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस टीम ऑफ सर्बिया अग विथ लुका जोविक एंड लाहौो बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस गाय एज वेल जो ये जिव कोवि राइट विंग बैक है दिस इज ऑल्सो वेरी गुड तो एक्चुअली जब सर्बिया अटैक करती है जैसे कि बैक थ्री फॉर्मेशन का जो नेचुरल प्लेइंग सेल किया होता है भाई बैक थ्री विंग बैक से राइट और लेफ्ट से वो पुश करके क्रॉसेस डालते हैं बट यहां यहा स्पेशलिटी है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रिएटर है इन दिस

लुका जोविक कैन ड्रॉप इन एंड कैन क्रिएट सुपरियोरिटी इन दी जोन फोर्टीन वाला एरिया जब लाहौच इन बिटवीन द डिफेंस रन मारेंगे अब टाडिच एक रॉम डॉइटर है यह जर्मनी की टीम वाला मोलर का रोल यहाँ पे प्ले करता है ये राइट और लेफ्ट कहीं भी मूव कर पाएगा पॉकेट और स्पेस में इसका यूटिलाइजेशन होता है सो आई बिलीव की अगर ब्राजील का डिफेंस या मिडफील्ड टाडिज पे ध्यान नहीं रखेगा भाई बहुत दिक्कत होने वाली है यहां पर ब्राजील को बट यहां पर क्रॉस्टिच के जो और लेफ्ट से क्रॉसेस आते हैं भाई जो इसके अर्ली क्रॉसेस है या तो इसके लेट क्रॉसेस पिंड पॉइंट क्रॉसेर है भाई बहुत

ब्राजील विन ले लेगी यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आम गोना से इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर ब्राजील बट यहाँ पे बेंच पे काफ़ी सारे ऑप्शन है ब्राजील के लिए आंतोनी है यहाँ पे बनू गुमारे से बेंच पे दे कैन ब्रिंग ऑन न्यूमरस प्लेयर्स गैब्रिलइस भी हैं हराम खोर बेंच पे जो कि सेकेंड हाफ में आके इफेक्ट कर सकते हैं इवन सेम गोज फॉर सर्बिया एज वेल तो अगर सर्बिया एक कॉम्पैक्ट uh, नैरो और uh, इस तरह हिसाब का गेम खेलेगी ब्राज़ील के प्लेयर्स को थॉट थोड़ा सा एक फिजिकल थोड़ा सा गंदा टेक्निकल गेम खेलना है भाई right? टैक्टिकल मास्टर क्लास हमें चाहिए यहाँ पे अगर सर्बिया को ब्राज़ील के अगेंस्ट कुछ भी इम्पैक्ट लाना है तो बट क्या कोच कर सकते हैं क्या कोच के अंदर ये चीज है बिकॉज कोच इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल इन दीम ऑफ आया जिस इन्होंने इनको लोली से एक कांड ऑफ एक अंडरडॉक्स बनाया है आई एम वेरी इंप्रेस फ्रॉम यार सो लेट सी वट कैन है कि इस मैच को टू निल जीतने वाली है भाई ब्राजील नॉक करने वाली यार कोई दिक्कत नहीं है बट नेक्स्ट गेम जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड गेम इन अ टीम ऑफ घाना जिसके बारे में पता नहीं है क्योंकि इनका जो हुआ था आफकॉन उसके ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे वन ऑफ दर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ घाना बट यार ये टीम अपने चौथा वर्ल्ड कप खेलेगी सिंस 2006 एक ही बार नहीं खेले हैं 2018 में के अगेंस्ट दे दो हाँ हजार 2014 के वर्ल्ड कप में सेम ग्रुप में थे पोर्चुगल ने इनको टू वन हरा क्रिस्टा रोनाल्डो ने विनर मारा था बट यहां एक थोड़ा सा सिनरियो बदल चुका है पोर्चुगल के बारे में हम बात करेंगे बट अगर घाना की बात करू मैं तो इनकी टीम थोड़ी सी यंग है थोड़ी सी इन एक्सपीरियंस है कोच ऑटो ऑडो जब से आए हैं तो ही हैज मेड दिस टीम टिक काफी सारे नए प्लेयर्स आए हैं जिन्होंने अपनी ने नेशनलिटी चेंज की है जैसे कि तारिक लैम्टी है सलीसू है इनिया की विलियम्स है और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं तो चार से पांच प्लेयर्स जिन्होंने अपनी ने नेशनलिटी चेंज की थी कैलामर्चन ओडुई भी थे इनकी टीम में बट वर्ल्ड कप स्कवाड में वो आने पाया बिकॉज मे बी इंजरी इंजरी इशू था बट ये टीम बहुत ही फाड़ इनकी आर मतलब अगर ये अपना बेस्ट लेवल फुटबॉल खेलेंगे दे कैन कॉज सरप्राइज एक सरप्राइज बना सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो विच वर्जन ऑफ घाना विल अराइव अब घाना एक ग्रुप में जिसमें है जिसमें उर्गुए है वी ऑल रिमेंबर 12 साल पहले वर्ल्ड कप में क्या होता उर्गे के अगेंस्ट घाना ने वो पेनल्टी मारी थी जब लुइस लुईस ने वो हैंडबॉल कर दिया था एंड पेनल्टी मिस हो गई थी एंड दे वर नॉकड आउट ऑफ द क्वार्टर्स तो यार एक रिवेंज मोड में ऑन होंगे आई थिंक ये एक uh, मतलब बहुत ज्यादा ये स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल तो नहीं खेलते हैं मोमेंटम मोमेंटम वाली टीम है यार चीजें सही हो रही हैं तो सही हो रही हैं बट देन देव गॉट सम पेसी प्लेयर्स यार यहां पे कमाल दिन सुलेमाना है दिस गाय इज वेरी वेरी गुड यार ये बंदा बहुत ही फाड़ है इन टर्म्स ऑफ पेस जॉर्डन एन

भाई मैच नहीं कर सकते यार तुम क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स उधर बर्नाडो हैर्नाडो है तुम कहां से कंपेयर करोगे यार जॉर्डन आरू से यार बट देन दिस इज माय लाइन अपॉर पॉर्चुगल दी आज एंटोनियो सिल्वा नो पे पे नो पे पे नो डेनि प्लीज यार फर्नाडो सेंटो सुन ले यार एंटोनियो सिल्वा को खिलाफ बिकॉज वो बंदा लीडर है भाई साल पे बंदा लीडर है मेरे आंखों में बिकॉज ही इज दैट गुड नूनो मिंदेस और गुरेररो नूनो मिन्दस खेलेंगे वो बहुत फार्ड प्लेयर है राइट पे कैंसलो खेलेंगे डालो हैज हाँ प्लेइंग बेटर देन कैंसलो इन पोर्टुगीज स्कॉर भाई ये बात मैं कह रहा हूं यहाँ पे आउट लाउड बट स्टिल माई ओपिनियन जो क्लास एंड क्वालिटी ऑफ कैंसलो है इन दो हाफ स्पेस बहुत अच्छी होती के, वो बहुत है यहाँ पे जो क्रॉसेज ऑसेस है कैंसिलो के बहुत फार्ड है बर्नाडो ऑन द राइट विंग रिफाइल लियाओ ओवर क्रिस्टियानो मेरे ओपिनियन में स्टार्ट करेंगे भाई बंदा वर्ल्ड कप खेल रहा है स्टार्ट ना करे ऐसा हो नहीं सकता और टावियो को मैंने यहाँ पे मिडफील्ड में स्टार्ट कराया विद एंड ब्रूनो फर्नांडिस तुम देख रहे हो मैं पे कारवालियो को ड्रॉप किया हूँ मैंने

पे को मौका मिलेगा राइट हैंड साइड की हाफ स्पेसेस में अटैक करने को सो बेसिकली सेटअप यही रहेगा बर्नाडो राइट right पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिटवीन द टू डिफेंडर नहीं जीतेगी भाई तो बहुत ज्यादा अपसेट होगा बिकॉज घाना इज नॉट दैट गुड अ कंपटीशन अपसेट हुआ तो बात अलग है बट कॉम्पिटिशन वाइज लेवल वाइज बिल्कुल भी लेवल पे नहीं है पोर्चुगल के so opinion, एक अच्छी थ्री की विन पोर्चुगल को लेनी ही लेनी चाहिए भाई सीरियसली